नमस्कार दोस्तों, मैं एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल आज आपके साथ हूँ न्यूज DNN चैनल की तरफ से, और मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक वायरस से लड़ रहा है, और हमारे PM मोदी जी ने लॉकडाउन किया हुआ है ताकि हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकें, जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर सकें, जिसके तहत हमें घर में रहना है। और आप और हम मिलकर घर में हैं, अपने PM को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और अपने देश की इस लड़ाई में, कोरोना को भगाने की लड़ाई में पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, कोरोना को हम पक्का दूर भगाएंगे, निकाल फेंकेंगे और इस लड़ाई में जीत जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो लॉकडाउन के चलते भी घर में नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें देश की सेवा करनी है, क्योंकि वो बाहर हैं ताकि हम घर में अंदर रह सकें, ताकि हम कोरोना से लड़ सकें। ऐसे लोग जैसे हमारी आर्मी, डॉक्टर्स टीम, ऑल द मेडिकल टीम, सभी सफाई कर्मचारी, सभी पुलिसमैन लड़ रहे हैं हमारे लिए अपने अपने घर से बाहर जाकर, सिर्फ इसलिए कि हम लोग घर में बैठ सकें। तो दोस्तों, क्या हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? एक्चुअली दे आर द रियल कोरोना फाइटर्स। अगर हम बात करते हैं कि हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सच्चे कोरोना फाइटर्स वो लोग हैं। और मैं एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल अपने पूरी दिल और आत्मा से उन्हें सैल्यूट करती हूं, क्योंकि वो बाहर हैं इसलिए हम सेफ हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर हैं इसलिए हम घर में रह सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने देश को, अपने संसार को सपोर्ट करने के लिए उन लोगों का साथ दीजिए। आप खुद घर में रहिए, अपनी फैमिली को घर में रहने के लिए बोलिए, कोशिश करिए कि अगर घर से बाहर जाकर कुछ सामान भी लेकर आना है तो पूरे पूरे वीक का सामान आप लोग घर में लेकर आए। हमें यह भी कोशिश करनी है दोस्तों कि जो लोग हमारे लिए घर से बाहर हैं, मैं फिर से नाम लेना चाहूंगी अपनी आर्मी की, अपने मेडिकल टीम, अपने पुलिस पीपल और सभी सफाई कर्मचारियों को हमें थैंकफुल होना चाहिए। और हमारे थैंकफुल होने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम कसम खा लें कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, और ये जो चेन कोरोना की फैल चुकी है, जितनी भी फैल चुकी है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग तोड़ देंगे। और वो लोग जो देश की सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए घर से बाहर हैं, उनको जल्दी से जल्दी आराम दे सके, छुट्टी दे सके उनकी इस डिफिकल्ट ड्यूटी से। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान खुद तो धरती पर आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इन लोगों के फॉर्म में अपने कुछ बंदों को भेजा हुआ है। वो हमारी रक्षा के लिए हर समय तैनात हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए वो भगवान के बंदे हैं और शायद आपके लिए भी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआओं में, अपनी विशेज में आप उनके लिए भी प्रे कीजिए। जो लोग रियल कोरोना फाइटर्स हैं, उनके वेलबींग्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रे कीजिए, उनको सैल्यूट कीजिए। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल, लव यू ऑल, क्योंकि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली हम सब कोरोना से बहुत जल्दी जीतेंगे। आई रियली विश टू पे ग्रेटफुलनेस एंड थैंकफुलनेस टू द मीडिया। हमारे मीडिया पर्सन्स हर लोकेशन पर जाकर हमें अपडेट करना, यहां तक कि कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है, एवरी मोमेंट दे आर गोइंग टू गिव द गाइडलाइन टू अस। मैं सैल्यूट करती हूं ऑल द मीडिया पीपल एंड इंक्लूडिंग यू न्यूज DNN। आप लोगों को मेरा सलाम कि आप हम तक सारे अपडेट्स पहुंचाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना हमें सारी न्यूज आप समय समय पर देते रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आप चाहते हैं कि कोरोना हमारे देश से जल्दी खत्म हो जाए, तो इन सबका साथ दीजिए। और हां, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है जो घर से बाहर जाकर खाना नहीं ले सकता, या अभी क्योंकि सभी के काम बंद हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपसे विनती करती हूं, मैं एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल सेवा कर रही हूं और आपसे भी चाहूंगी
कि आगे आइए, किसी को भूखा मत सोने दीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये बुरा वक्त भी जल्दी से जल्दी टल जाएगा और वापस हम सब अपने अपने काम पर वापस होंगे। तो अभी एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को पॉजिटिव रहने दीजिए, जिसको जैसी भी मदद की जरूरत है जरूर मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.